क्यों थम जाती है दिल्ली, रुक जाती है रफ्तार, रेंग लगती है दिल्ली, ऑड इवन से होगा फायदा, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। तो देखिए बात, स्वागत है आपका लगातार। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन का फॉर्मूला सुझाया गया, लेकिन क्या इससे जो पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है इसमें कमी आएगी? दावा तो किया जाए, लेकिन इसके अलावा तमाम पहलुओं पर भी, तमाम जो जड़ है उस पर भी हम लगातार डिस्कशन करें कि आखिरकार इसका जो असल सॉल्यूशन है वो क्या है। चाहे बात जाम की समस्या की हो, चाहे बात हो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस पूरे ढांचे को मजबूत करने की बात हो, तमाम चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जो जाम हर साल लगता है, रोजाना लगता है, उस जाम की वजह से ना सिर्फ हमारा जो पैसा होता है वो ईंधन पर बर्बाद होता है, बल्कि साथ ही साथ जो इससे जहर खुलता है हमारे वातावरण में, ये हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो किस तरीके से जो जाम है वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जेब पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पहलू को भी समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी की सड़कों पर रोजाना लगने वाले जाम के कारण हमें दोहरी मार झेलनी पड़ती है। पहले तो जाम के कारण हम लाखों रुपए का ईंधन रोजाना फालतू में खर्च कर देते हैं और उससे हवा में लाखों किलो का जहर भी खोल देते हैं। इसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि सरकार और राजनीतिक दलों की वो नीतियां भी जिम्मेदार हैं जो अपने एजेंडे में उद्योगों को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट लाने पर जोर देती है, लेकिन उनके एजेंडे में प्रदूषण जैसे गंभीर विषय के लिए कोई प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से राजधानी के लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। देश की बात को छोड़ दीजिए, अगर दिल्ली में जाम से होने वाले नुकसान की चर्चा करें तो यहाँ हर रोज ट्रैफिक जाम के कारण, एक ही जगह पर खड़े रहने के कारण 24 लाख रुपए का ईंधन बर्बाद होता है। ये तो एक दिन की बात हुई। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली वाले एक साल में ट्रैफिक जाम में फंस कर 84 करोड़ रुपए का ईंधन फूंक देते हैं। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन एक साल में दिल्ली की सड़कों पर जाम के कारण 39,806 किलो ईंधन चलाते हैं। ये सब तब होता है जब वाहन ट्रैफिक जाम की वजह से एक इंच भी नहीं हिलते। एक ही जगह पर रुके वाहन से फैलने वाले प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में जाम की वजह से सालाना 1,15,609 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड दिल्ली की हवा में जहर ही नहीं फैलाती, बल्कि दिल्ली के चेहरे पर कालिख भी पोत देती है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम की वजह से औसतन कितनी देर रोज रुकना पड़ता है। दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके से गुजरने वाले वाहनों को ट्रैफिक जाम में 11 मिनट रुकना पड़ता है। पटेल नगर इलाके में इससे थोड़ा कम, यानी 10.5 मिनट रुकना पड़ता है, और इसी तरह आश्रम चौक पर करीब 10 मिनट का वक्त जाम की वजह से बर्बाद होता है। दिल्ली के हर वाहन चालक को औसतन हर रोज सड़कों पर 5 मिनट 50 सेकंड तक जाम में फंसना पड़ता है, जिससे दिल्ली की हवा में हजारों किलो जहर घुल जाता है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो आपने देखा, रोजाना जो जाम लगता है इससे कितना जो असर ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि हमारी जेब पर भी जो जाम है वो हर दिन किस तरीके से भारी पड़ता है, तमाम आंकड़े हमने आपको दिखाए। चलिए, हमारी बहस लगातार जारी है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पॉल्यूशन कम करने का, इस पर हम लगातार बड़ी बहस कर रहे हैं। उस्मान जी, एक हमारे पास आंकड़ा है, ये दरअसल दिल्ली में ये एक स्टडी के मुताबिक आंकड़ा रखा गया है कि करीब 46% जो पॉल्यूशन है वो ट्रक से होता है और 33% टू व्हीलर से होता है और करीब करीब 10% के आसपास कारों से होता है, और जो सरकार का फैसला है वो कारों पर लागू है, यानी कि करीब करीब 79% जो आपका पॉल्यूशन है वो भी अभी बरकरार है। तो आपको लगता है कि वाकई में ये जो पूरा फॉर्मूला है वो इतना कामयाब हो पाएगा, जबकि आपका जो बाकी जिनसे आपका पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है वो तो आपकी सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे वाहन? देखिए, जो आप ये आंकड़े बता रहे हैं मुझे पता नहीं किस चीज के, लेकिन मैं आपको ऐप का एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी एंड आईआईटी कानपुर की स्टडी के बारे में बताता हूँ, जो कहता है कि टू व्हीलर 22% और हमारी कार्स करीबन 16%, तो आप समझ सकते हैं 36% प्लस 28% हमारे ट्रक्स का।
रही बात ट्रक्स की, ट्रक्स को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 9 में पिछले ही महीने 2015 में एक फैसला पास किया जिसमें उन्होंने ग्रीन लेवी करा, जिसे हम कहते हैं ईसीसी, एनवायरमेंट कंपनसेशन टैक्स। वो सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने एक आय फाइल करा था, उसके बाद सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया जो एक काफी अच्छा फैसला है। रही बात डीजल व्हीकल्स की, जो एनजीटी ने कल फैसला दिया है कि 6 जनवरी तक हम और रजिस्टर्ड डीजल व्हीकल्स नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो एक डब्ल्यूएचओ का पार्ट है, उसने कहा है कि जो डीजल एग्जॉस्ट है, डीजल वाहन से निकलने वाला धुआं कार्सिनोजन है, यानी वो कैंसर करने वाला पदार्थ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और रही बात डीजल की सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स के लिए, हमें ये बात देखनी चाहिए कि सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स नहीं, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स नहीं, हमें कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो चीज लागू होनी चाहिए। 2017 तक हमें सरकार से ये विनती करनी चाहिए 2017 तक यूरो 6 जो एक क्लीन स्टैंडर्ड्स हैं वो लाएं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ARI कहते हैं, सरकारी संस्था है, उसने बताया कि डीजल वाहन से निकलने वाला एग्जॉस्ट वो 4 से 5 गुना पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो काफी छोटा कण है, उससे 5 से 7 गुना डबल होता है एज कंपेयर टू अ पेट्रोल व्हीकल। उस्मान जी, जिन नॉर्म्स की आप बात करें, जयशंकर जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। आपने IIT की जो रिसर्च है उसके आंकड़े आपने रखे, एक और रिसर्च है जिसके आंकड़े मैं रखना चाहता हूं, IIT कानपुर की ये रिसर्च है कि करीब रोजाना 80,000 जो ट्रक हैं वो राजधानी दिल्ली के अंदर रात के वक्त आते हैं। आपने यूनिनॉर्म्स की बात की, इसी को जोड़ते हुए मेरा सवाल आपसे जयशंकर जी कि आज गाइडलाइंस हैं कि इस आपको यूरोनॉर्म्स का आपका पालन कर रहे, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि कई ऐसे ट्रक्स हैं जो कि यूरोनॉर्म जो 2 है या फिर इसके पिछले वाले हैं, सिर्फ उस पर आज चल रहे हैं और राजधानी की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे हैं, यानी कितना पॉल्यूशन वो फैला रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल सीधा मेरा आपसे है कि आप गाइडलाइंस बना देते लेकिन उसको अमल में लाना, उसको इंप्लीमेंट करना जिन एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद से वहां पर एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। सीधी सी बात है कि आप जो बड़े ट्रक्स लाते हैं तो उनके लिए आप बाहर का कोई इलाका रखिए जहां पे आप छोटी गाड़ियों में उसे सामान ला करके शहर में ले आइए अपने शहर में, लेकिन वो होता नहीं है, वो कुछ पैसे दे करके सारा काम कर लेते हैं। मैं तो बताऊंगा आपसे, मैं रहता हूं गाजीपुर के इलाके में, वहां फूड फैक्ट्री हमारे मोहल्ले में ही एक किसी भाई ने फूड फैक्ट्री खोल लिया जो अनधिकृत कॉलोनी है, वो टिक्की वाला है, बाबी टिक्की वाला, उसने फूड, उसको लाइसेंस नहीं है जी। हम लोगों ने बराबर लिखा, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा, दिल्ली सरकार को लिखा, DDA को लिखा, MCD को लिखा, इन चारों संस्थाओं के पास लिखा, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। वो सारा अपना कचरा पूरे दिल्ली और देश के इलाकों में जो खाना सप्लाई करता है वो ला करके हमारी नाली में डाल देता है। वहां 2500 ट्रक्स रोज लगे रहते हैं उसके, जो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए रहते हैं। गाजीपुर का इलाका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर के ताज अपार्टमेंट है, हाईवे अपार्टमेंट है, कम से कम 40-50 ट्रक्स हर समय वहां खड़े रहेंगे, चाहे वो सुबह हो, दिन हो, रात हो। पहले होता था जो टैक्स बचाते थे लोग, वहां से चूंकि यूपी बॉर्डर में क्रॉस करना है, एक फोन हो जाता था कि क्लियर है, सारी ट्रकें बाहर चली जाएंगी या उधर से आने के, मतलब इस लेवल पर काम हो रहा है। तो आप इसको रोकेंगे कैसे? जब तक आप, मतलब सवाल है कि हम करें, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुन नहीं रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, DDA को चिंता नहीं है, MCD को चिंता नहीं। चिंता तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट तमाचा मारता है, जब कहता है कि बाबू नहीं करोगे तो फिर भुगतोगे। तो ये हालत, हम किसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है, आप देखिए, मतलब गाजीपुर में लैंडफिल सेंटर है, दिल्ली पूरे शहर में आज कहीं लैंडफिल जगह नहीं रह गई है। बिल्कुल, और लैंडफिल सेंटर गाजीपुर का कचरे का पहाड़ बन गया है। कचरा प्रबंधन की हमारे पास कोई नीति ही नहीं है, अभी तक कोई नीति नहीं बनी है। कल आप क्या करेंगे? वहां रोज आग लगाते हैं लोग। आपने NGT ने कह दिया कि साहब कि अगर आप घर में कहीं आग लगा देंगे या अपने घर के सड़क के पास लगाएंगे उस पर जुर्माना होगा, लेकिन गाजीपुर में जो कचरे के पहाड़ पर रोज आग लग रही है, इंप्लीमेंटेशन की समस्या करेगा कौन? रोक अनिल बंसल जी, एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर है। अगर आप देखें तमाम लैंडफिल साइट्स की अगर आप बात करें, वहां पर रोजाना हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो ट्रक्स हैं वो कूड़ा लेकर आते हैं जाते हैं। NGT ने बकायदा अपने गाइडलाइंस में, आदेश में बोला हुआ है कि उन ट्रक्स को ढका जाएगा, वो आप खुले में आप इस तरह से कूड़ा नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हम रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से खुलेआम जो कूड़ा है वो ट्रकों में लदा हुआ है और उसमें कोई भी जो गाइडलाइंस उसका पालन नहीं हो रहा, ढका नहीं गया है। इसके अलावा जैसे कि यहां पर बताया यहां पर जयशंकर जी ने कि कूड़ा जलाया जा रहा है, 5,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। NGT तरफ से तमाम आदेश है, कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार उन आदेशों को सख्ती से पालन करवाए, तभी जो प्रदूषण है उसे शासन जात मिल पाएगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, सरकार की एजेंसी हमारे देश में तो क्या होगा, लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है वो लॉ को इंप्लीमेंट करने से डरती है,
उनको लगता है कि अगर हम लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, सजा नहीं दिलवा पाएंगे। आपने देखा होगा सलमान खान के केस में 13 साल केस चलने के बाद सारे सबूतों को छोड़ते हुए एक डिसीजन आ गया। तो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को लगता है कि हम इस तरह के काम ना करें। एक बहुत बड़ी चीज पॉल्यूशन की, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, दिल्ली में आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत हो रहा है। एक ट्रेडिशन बन गया है कि बिल्डिंग को तोड़ो, 5 मंजिल बिल्डिंग बनाओ, डीडीए से नक्शा पास कराते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पार्किंग के लिए जगह रखी जाती है। आप देख लीजिए 99% मकान में वो जो पार्किंग बनती है, कोई पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी कर रहा, उसको अपने यूज कर रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर, हर बिल्डिंग टूट रही है और उसकी जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इसके लिए सरकार सख्त रुख है, सख्त गाइडलाइंस, उसके बावजूद ये हाल है। सख्त गाइडलाइंस के बावजूद जो मकान बना रहे हैं कोई कवर नहीं करता। बिल्डर्स पैसे देके हर तरह की चीज करते हैं, मलबा बड़ा रहता है, सीमेंट बड़ी रहती है, हर चीज बड़ी रहती है, और कोई पड़ोसी बोलता है तो लोग लड़ाई करते हैं। अच्छा उस्मान जी, अब क्या वक्त आ गया है साहब कि अगर हम चाइना का एग्जांपल देखें, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला है इसको भी कहीं ना कहीं ये सामने रखा गया है कि अलग अलग देशों में इसको इंप्लीमेंट किया गया, उसके आधार पर भी यहां पर भी ये कोशिश की जाए। लेकिन अगर हम चाइना का एग्जांपल देखें, अभी हाल ही में बीजिंग का अगर हम बात करें, वहां पर पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा हो गया, करीब 400 के आसपास जो इंडेक्स पहुंच गया था वहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया 3-4 दिन के बाद। हाल ये होता है कि सीधे 100 पर आ जाता है, जो पॉल्यूशन लेवल का जो इंडेक्स है वो 100 पर आ जाता है। आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं कोशिशें या ऐसी स्थिति भारत में भी आ गई कि अगर पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है तो कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे रेड अलर्ट जो है वो घोषित किए जाएं ताकि जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण हो पाए। आपको लगता है स्थिति ऐसी आ गई है भारत में भी? देखिए जो अब स्थिति है, मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि पानी अब नाक से ऊपर, सर के ऊपर से गुजर निकल चुका है। हमारी स्थिति आज यह है कि हम बीजिंग से भी ज्यादा प्रदूषित है। बीजिंग में 490 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा, वहां पर उन्होंने रेड अलर्ट घोषित कर दिया, सब स्कूल बंद कर दिए। आज हम क्या हम बताते हैं 500 एवरेज है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीवियर कैटेगरी तक पहुंच चुका है और उससे आगे भी चला गया जो हमारे मीटर्स कैच नहीं करते। अब स्थिति यह है कि हमें कड़ा कदम लेना है, चाहे उससे किसी को, देखिए अगर हमें चेंज देखना है ना तो हम चेंज सरकार पे नहीं थोप सकते, हमें चेंज खुद लाना पड़ेगा, हमें उस चेंज का, हमें उस बदलाव का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में वो बदलाव आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑड इवन कास्ट सिस्टम से, यार अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो उसे इमरजेंसी में कौन से व्हीकल से लेके जाऊंगा। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि क्या लोग एम्बुलेंस में नहीं मरते, क्या लोग अस्पताल ले जाए वे अपने कार्स में ले आके वे नहीं मरते, लोगों को जगह नहीं है चलने की, इतना प्रदूषण फैल गया है। मैं आपको बताता हूं, हमने एक स्टडी करा, चितरंजन नेशनल इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, उसने बताया कि दिल्ली में हर तीसरा इंसान लंग्स इन्फेक्टेड है उसके। दिल्ली कलकत्ता के एक 45 से 50 साल के हमने सर्वे करा, 45 से 50 साल के आदमी का हमने लंग देखा, और वही लंग हमने देखा 9 से 15 साल के दिल्ली में रहने वाले बच्चे का। तो आप देखेंगे कि उसका दिल बच्चे का जो लंग है वो इस टैक्सी ड्राइवर से काफी बुरी हालत में है। और आज ही मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, सीएम साहब ने एक पिक्चर ट्वीट करा है, एक हिमाचल प्रदेश में रहने वाले इंसान का, एक दिल्ली में रहने वाले इंसान का, विद सेम एज। तो आप देखेंगे दिल्ली में रहने वाले इंसान के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो पूरी तरह काले पड़े हैं। और ये जो कण है, मैं आपको बताता हूँ, PM2.5 जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे एक बाल का जो डायमीटर है वो PM50 है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं उससे 16 गुना छोटा PM2.5 जो डायरेक्टली इनविजिबल है और सीधा हमारे फेफड़ों में आर्टरीज में जाके इंजेक्ट कर रहा है, लग रहा है। अच्छा जयशंकर जी, एक बड़ा अहम सवाल है, कार पुलिंग की बात लगातार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि कारें सीमित हो जाएंगी, सीधे आधी हो जाएंगी, तो कोशिश ये होंगी ताकि जो लोग हैं वो कार पुलिंग करके ऑफिस जाए, जहां पर भी जाने गंतव्य स्थान तक जाएं। लेकिन एक एग्जांपल है अमेरिका का, वहां पर क्या है कि अगर आप कार पुलिंग करते हैं तो बकायदा कार पुलिंग के लिए वो गाड़ियां जिनमें बकायदा कार पुलिंग की जा रही है उनके लिए डेडिकेटेड लेन है, यानी कि सामान्य गाड़ी अगर आप अपनी इंडिविजुअल गाड़ी से जा रहे हैं तो आपके लिए एक अलग लेन है, लेकिन कार पुलिंग के जरिए आप जा रहे, एक डेडिकेटेड लेन है, आप काफी आसानी के साथ बिना किसी जाम के और बड़ी तेजी के साथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे कम समय में। आपको लगता है कोशिशें ऐसी होनी चाहिए, इनिशिएटिव ऐसे भी होने चाहिए सरकार की तरफ से ताकि एक प्रोत्साहन मिले लोगों को? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और कार पुलिंग की बात देखिए, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूं कार पुलिंग के लिए, जब वो तैयार है तो हम और आप क्यों नहीं तैयार हो सकते हैं, सीधी सी बात है। आपने जो आइडिया दिया है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नहीं, अमेरिका में बकायदा ये लागू, अमेरिका बकायदा लेन ड्राइविंग होती है, हमारा लेन ड्राइविंग करता कौन है?
वो कानून तोड़ देगा। मतलब चालान होना चाहिए जो लेन ड्राइविंग तोड़े। अगर आपने एक स्पेशल लेन बना दी और उसमें सारे अकेले जाने वाले घुस गए तो कौन रोकेगा? नहीं नहीं, वो तो एक बार फिर से मुद्दा वही आ गया, कानून का सख्ती से पालन करना जरूरी है, तभी इसको इंप्लीमेंट करना है। जयशंकर, हाँ ठीक है, उस्मान जी आऊंगा। जयशंकर जी, आप पॉइंट कर लीजिए। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा था कि कोई शुरुआत हो उसके पहले ही अगर हम उसमें लेकुना खोजने लग जाए तो हर चीज में निकलेंगे लेकुना, लेकिन एक शुरुआत हो तो जरूरी, भले चले तो सही ना, उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी उनको दूर करने की बात। अभी पिछले दिनों हम लोग की बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल जी से, मुख्यमंत्री से कुछ पत्रकार लोग मिले हुए थे, तो उनसे तो उन्होंने जो बताया कि जिस तरह से डेडिकेटेड ये था कॉरिडोर था बसों के लिए था, तो नहीं चल पाया तो उसको हटा दिया, हटा रहे हैं लोग, लेकिन अब वो शायद वो कर रहे हैं कि फ्लाईओवर टाइप के बना करके उस पर एक पे बस चलेगी दूसरे पे कार चलेगी, और देशों में भी है ऐसा, तो उसके लिए है कि अगर कार जिस पे चलेगी उस पे कार वाले पैसा देंगे, उनके लिए ठीक है, डेडिकेटेड रहेगा, आप अपने लेकिन जिसको पैसा टोल रोड पे जाते हैं ना हम, बिल्कुल उसी तरह का अगर रोड्स बन जाएगा तो लोग जाएंगे उसको शेयर करेंगे। और लेकिन सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम तो यही कह रहे हैं कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करिएगा, सुसंगत करिएगा, मजबूती करना नहीं, अगर 6000 बसें आ गई, नई बसें आ गई और सब साउथ दिल्ली के इलाके में चली गई जहां सब लोग कार से आते हैं तो बात नहीं बनने वाली। नहीं, 6000 बसेस के तो एनजीटी ने ये भी कल बोला ना, ये पॉइंट भी रखा है कि अच्छा। ये एक जो बस है वो 10 कारों के बाद पॉल्यूशन करती है, उल्टा ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया आपकी सड़कों पर। नहीं नहीं, उसमें ये है कि देखिए जब सीएनजी की बसें जब चलने लग गई तो उससे तो कम हुआ, ऑटो रिक्शा भी कम हुआ, ऑटो रिक्शा में जब सीएनजी आ गई। आप ये भी कर सकते हैं कि जो कारें हैं, जैसे कह दिया ना कि जब डीजल की नई कारों को पंजीकरण नहीं करेंगे, तो अब आप ये कह सकते हैं कि हम उन्हीं गाड़ियों का पंजीकरण करेंगे जिसमें सीएनजी लगी हो, सीएनजी किट लगे हो, ये भी एक उपाय हो सकता है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन भी कम कर दें, गाड़ियां एक परिवार में, एक परिवार में अगर आप चार चार गाड़ियों का आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो उस पर आप हेवी ड्यूटी लगाइए, साइज लगाइए, बढ़ाइए, दूसरी गाड़ी लेते हैं, तीसरी गाड़ी लेते हैं, आप कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है उस्मान जी, दिल्ली में जो भी स्थिति है यहाँ पे एक है मल्टीपल कार ओनरशिप, घर में दो लोग रह रहे हैं उनके पास चार कार्स हैं, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि ये कार्स को कैसे कैपिंग करेंगे हम। बीजिंग ने जैसे पिछले साल जब उनको पोल्यूशन उन्होंने देख लिया कि अब स्थिति पानी से ऊपर सर से ऊपर पहुंच गई है, तो उन्होंने कैपिंग कर दी कि साल में 80,000 से ज्यादा कार्स नहीं बिकेंगी, तो वो हम दिल्ली में कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इवन राजस्थान में आपका ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जो कैपिंग है, यानी कि हम एक साल की बजाय अगर एक परिवार की बात करें तो यहां पर एक परिवार में कितनी कारें हो सकती है उसको भी हमें कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा, कानून बनाने की जरूरत है। आपको मैं आपको बताता हूं, कानून बने हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं पार्किंग का। हमारे पास 320 क्लॉज 1 सेक्शन ए ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, 322, 320 सब हमारे पास प्रावधान है जो कहते हैं कि फुटपाथ पे या सड़क पे पार्किंग नहीं होगी। इवन मास्टर प्लान कहता है कि अगर पास आपके पास कार है तो आप अब घर के प्लॉट के अंदर पार्किंग देंगे, लेकिन आज हो क्या रहा है, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, किसी को पता नहीं है। इवन एक जो इंप्लीमेंट करने वाला है कॉर्पोरेशन के ऑफिसर को आई एम श्योर नहीं पता होगा कैसे प्रावधान उनके एक्ट में है। दिल्ली पुलिस एक्ट सेक्शन 84, 85, 78 का वो कहता है कि जो भी अगर पार्किंग हो रही है या सर्विस लेन पे कोई भी अपना व्हीकल लेके जा रहा है, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 सब प्रावधान है, लेकिन लागू करने वाली चीज नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज है। और साथ में सिर्फ हमें ये भी देखना होगा कि एक पुलिस कांस्टेबल या एक कोई सा भी ऑफिसर सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है कि सब लॉ इंप्लीमेंट हो, ये हमारी भी है। अगर हम कहीं लॉ उल्लंघन होते हुए देखें उसे हम बताएं, उसे बताएं कि यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है, आप ये गलत कर रहे हैं, अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपके अगेंस्ट फाइल करता हूँ, वो फिर आगे की बात है कि उसके ऊपर एक्शन होता है नहीं होता। लेकिन फ्रांस की एग्जाम्पल है उस्मान जी, फ्रांस की एग्जाम्पल है, हमारी बकायदा रिपोर्ट है वहां पर, इसको काफी जो पूरा ट्रैफिक की जो पूरी प्लानिंग है या फिर जो लोग हैं वो खुद ट्रैफिक रूल्स का इस तरीके से बकायदा पालन करते हैं कि जैसे वो उन्होंने चीजें कोई धार्मिक चीजों का जिस तरह से तमाम मैंने अपनी पहली बात को दोहराना चाहूंगा, अगर हमें बदलाव देखना है तो हमें खुद को उस बदलाव का हिस्सा होना पड़ेगा। ये नहीं कि इससे प्रावधान आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब सही हो जाएगा सब। अल्टीमेटली हमें ही करनी है वो चीज, ऐसा कुछ नहीं है कोई खुदा आएगा या कोई ऐसी देवी या देवता आएगा जो सब। बिल्कुल ठीक है कि ये है और हमें कानून का पालन भी। देखो मैं भी अमेरिका 2-3 बार गया हूँ और वहां भी ट्रैफिक के वायलेशन लोग नहीं करते या कूड़ा नहीं फेंकते, क्योंकि वहां चलान बहुत जबरदस्त है और जिसने वायलेट कर दिया उसको छोड़ने नहीं है। हमारे यहाँ अगर 100 लोग वायलेट करते हैं तो एक को पकड़ते हैं, 99 को छोड़ देते हैं। हमारे आप दिल्ली में देखिए हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, लोग जनता को फ्री में खाना खिला रहे हैं लेकिन डस्टबिन नहीं रखते, सब लोग कूड़ा उठा के फेंक देते हैं और देख के जा रहे हैं। मतलब हमें चलान, मैं यूएसए में गया एक मंदिर में,
प्रोग्राम चल रहा था, हम सब लोगों ने खाना खाया और डस्टबिन में खुद उठा के वो सब सामान डाला, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कूड़े को बाहर फेंके। अच्छा डॉक्टर अनिल बंसल जी, क्योंकि आपसे ये जो हेल्थ इश्यू से जो सामने आ रहा है गंभीर, इस पर भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप खुद डीएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक रिपोर्ट है हमारे सामने जो दिल्ली की हवा है इसमें करीब 800% तक जो बेंजीन गैस जिससे कैंसर होता है ये बढ़ चुकी है। PM 2.5 PM 10 का जो लेवल ये हम जानते हैं। आपसे स्वास्थ्य के लिहाज से पहलू जानना चाहूंगा कि इससे कितना बड़ा जो असर है या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक साबित हो रहा है ये पूरा पॉल्यूशन। ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कैंसर होने लगा है, सांस की प्रॉब्लम। अभी बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों में जो पैदा होते हैं उनको सांस लेने की तकलीफ होने लगती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है और बड़ी मुश्किल होती है, नेबुलाइजर देना पड़ता है। अभी हमारे एक दोस्त है वो डॉक्टर है, उनके दोनों बच्चे जो कि डॉक्टर थे दिल्ली में काम कर रहे थे वो अपनी फैमिली को लेकर बाहर चले गए क्योंकि उनके जो दोनों बच्चे ट्विन थे हमेशा बीमार रहते थे। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसको किसी भी हालत में लाइटली नहीं लेना चाहिए। कैंसर, सांस की बीमारी, हार्ट अटैक ये बहुत कॉमन है जो इससे हो सकती है। साथ ही साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी, जब व्यक्ति बीमार होगा तो उसको ये सब प्रॉब्लम भी होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वस्थ वातावरण को मिलना चाहिए। जी अच्छा जयशंकर जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है इस पूरी बहस का, आपसे आना चाहूंगा। ठीक है, ऑड इवन का पूरा फॉर्मूला है लेकिन जिस पॉल्यूशन को कम करने के सॉल्यूशन का हम डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार हम इस पर बहस भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से? नहीं, गाड़ियों के बारे में तो जैसे मैंने आपसे बताया कि इसको कारों को सीएनजी पिलाना होगा, लाना होगा सीएनजी पे, एलपीजी या जो भी है सिस्टम उसको एक तो बढ़ाना होगा, कारों की संख्या कम करनी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा और सुसंगत करना होगा। दूसरा ये कि जो ऑटो रिक्शा का हमारे यहाँ है उनको कहना होगा कि भाई पुलिस को खुद जाना होगा, भेद बदल करके अच्छा जाना होगा। ये एक आम आदमी के मन में लगातार सवाल आ रहा है जयशंकर जी कि ठीक है ये सब कुछ करना होगा लेकिन क्या आज हम स्थिति में हैं, क्योंकि 1 से 15 तक ये ट्रायल रन पर होगा, इसी के आधार पर सरकार रिपोर्ट रखेगी कि कितना कामयाब हुआ। क्या आज हम स्थिति में है कि इसे सही तरीके से लागू किया जाए? नहीं, ये स्थिति है। अब इसमें तो सबसे बड़ा पेच ये है कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के साथ पुलिस के साथ आपका तमाम पुलिस के साथ टकराव आज ही दिन से बढ़िया कदम जो है फेल ना हो जाए इन झगड़ों में। तो बस्ती ने जो बयान दिया है तो उसको भी लगता है कि वो टांग खिंचाई ही करेंगे वो लोग, तो ये भी एक होस्टाइल पुलिस भी तो देखना पड़ रहा है ना। तो इसको लेकर के देखिए अब दिल्ली सरकार करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है करुणा शंकर मैं कहना चाहूंगा कि एक तो कचरा प्रबंधन की नीति आपके पास है नहीं, वो होनी चाहिए। दूसरा, दिल्ली को या दिल्ली जैसे महानगरों को डीकंजेशन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली की सुविधाएं अगर अन्य इलाकों में मिलेंगी ये तो वहां जाए। अब जो सुविधाएं जैसे रोजगार का केंद्र सब कुछ तो आज दिल्ली में, मतलब बिजनेस लगाना है तो दिल्ली में, पढ़ाई करना है तो दिल्ली में, साहित्य लिखना है तो दिल्ली में, मतलब सारा सेंटर बन गया। इमीडिएटली तो क्या होना, यानी विकास को लेकर जो भी केंद्रित आपकी पॉलिसीज होती है उसको लेकर आपको पहले डिसेंट्रलाइज करना होगा, आपको एक छोटा भी इसका असर होगा। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, अहमदाबाद में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग जाते थे लूम्स में काम करने के लिए, लेकिन जब मऊ में, आजमगढ़ मऊ में जब स्वदेशी काटन मिल खुल गई तो सारे लोगों ने अहमदाबाद छोड़ दिया और वहां पे काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आपके गांव में अगर औद्योगिक विकास होगा उसमें थोड़ा लोगों को रोजगार के साधन मिलना शुरू होंगे, तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी की अगर लॉन्ग टर्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ऑटो के बारे में कहा जा रहा है कि नजदीक की रस्ते जाने के लिए उनको तैयार होना चाहिए और जो नहीं जाते हैं उनका चलान होना चाहिए। उस्मान जी आपकी तरफ से क्या पॉइंट होगा? देखिए अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर में जो हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट तक जो सर्वोच्चतम न्यायालय है वो तक तो इतना सक्रिय हो गया इस मुद्दे को लेके कि उसने कहा है कि आप मुझे एक हफ्ते के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दीजिए, क्योंकि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जजेस आते हैं, काफी बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, जजेस को शर्मिंदगी हो रही है दिल्ली की वायु के बारे में बताते हुए। बिल्कुल, लड़के आए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस लौट गए, कहा कि हम जा रहे हैं वापस, लौट जा। बिल्कुल कुल मिलाकर ये अब, लेकिन ये भी है कि दिल्ली की 2 करोड़ आबादी तो कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन हम लोगों को ही दिल्ली की स्थिति सही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमको ही विलछुड़ कर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, हमारी तरफ से योगदान बहुत जरूरी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा कि हम भी कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पॉल्यूशन कम करने के लिए, तब जाकर मिलजुल कर ये काम हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर एक जो सॉल्यूशन ये मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ठीक है सरकार का फैसला बहुत सही है, लेकिन जैसे जयशंकर जी ने कहा कि देर से लिया गया लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में पूरा फैसला लिया गया है, तो इसको लेकर भी हमने बात रखी है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, कहां पर क्या जरूरत है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, मेट्रो की बात करें या फिर हमारा जो सड़क यातायात
इसको मजबूत करने की कितनी जरूरत है, जो चाहे सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी इश्यूज को लेकर जो जो लेडीज कंसर्न होती है, महिलाएं काफी कंसर्न होती है, इन इश्यूज को भी आप ठीक करना बहुत जरूरी है। और जो एक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसको डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी, ताकि कहीं ना कहीं जो हाँ बिल्कुल डिकंजेशन है वो हो, इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में शामिल होने के लिए। वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे ब्रेक का, खबरें लगातार टोटल न्यूज पर जारी। क्यों थम जाती है दिल्ली, रुक जाती है रफ्तार, रेंग लगती है दिल्ली, ऑड इवन से होगा फायदा, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन।